नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और शेख, मेरा नाम रिजवान है और मैं लातूर से हूँ। मेरा सवाल ये है, जैसे कि मैं किसी मेरे दोस्त को रूम दिलाऊंगा, कोई रूम दिलाऊंगा भाड़े से या रेंट पर, तो उसको जो भी उसको दिलाने में करने में जो मुझसे मेहनत होगी, तो क्या उसका मैं कमीशन में ले सकता हूँ क्या? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे रिजवान भाई हैं, इनका सवाल ये है कि ये अपने किसी दोस्त को या किसी पहचान वाले को भाड़े पे, किराए पे रूम दिलाते हैं, तो इसके लिए जो ये दौड़ भाग करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका मुआवजा ले सकते हैं कि नहीं? जिसको रूम ये दिला रहे हैं उससे अपनी मेहनत का सिला, अपनी मेहनत का पैसा ले सकते हैं कि नहीं? तो इसका जवाब ये कि बिल्कुल आप ले सकते हैं। आपने एक काम किया, एक सर्विस दिया है, आपने मेहनत की है, तो उसका मेहनताना ले सकते हैं। उर्फ के मुताबिक जो आपका हक बनता है, जो मुनासिब है, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपने काम किया, आपने एक सर्विस दी है, आपने मेहनत की है सामने वाले के लिए, तो आप उसका मेहनताना ले सकते हैं। आप माफ़ करना चाहें तो माफ़ भी कर दें, फ्री में आप किसी को रूम दिला दें तो भी दिला सकते हैं, कोई मसला नहीं। बहुत सारे लोग रूम दिलाते हैं, पैसा नहीं लेते, लेकिन आपका कारोबार ही है, आप ये काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को रहनुमाई करते हैं कि फ़लाँ जगह रूम खाली है, और उसके एवज़ में आप अगर लेना चाहते हैं तो ये जायज़ है, इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि आप उसके पीछे सर्विस दे रहे हैं, आप मुफ्त में नहीं ले रहे हैं। आपकी दौड़ भाग होती है, आपका रबता होता है, आपका टाइम जाता है उस पर, तो उसके लिए आप पैसा ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं।